नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। सीएम हेमंत ने अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र, कहा जेएसएससी से चयनित अफसर होंगे सम्मानित। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने 183 चयनित अभ्यर्थियों को झारखंड मंत्रालय के सभागार में आयोजित समारोह में नियुक्ति पत्र सौंपा। उन्होंने कहा है कि यूपीएससी की तरह जेपीएससी और जेएसएससी से चयनित अफसर भी बेहतर कार्य करने पर सम्मानित किए जाएंगे। राज्य के सर्वांगीण विकास में नवनियुक्त अभ्यर्थियों की अहम भूमिका है। आशा है आप शहरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों में असिस्टेंट टाउन प्लानर, जूनियर इंजीनियर, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, माइनिंग इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर और पाइपलाइन इंस्पेक्टर शामिल हैं। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आज फिर वही सकारात्मक ऊर्जा एवं उत्साह के साथ राज्य के विकास को गति देने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों में चयनित 183 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को राज्य सरकार की ओर से नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। कुछ नियुक्तियां झारखंड लोक सेवा आयोग एवं कुछ नियुक्तियां झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की गई है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पदों पर पहले भी नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया और छूटे हुए अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि नवनियुक्त अभ्यर्थी राज्य के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण कड़ी बनेंगे। देश के कई हिस्सों में फैल रहा निपाह वायरस, रहे सावधान। निपाह वायरस एक काफ़ी जानलेवा बीमारी है जिसके मामले देश के कई हिस्सों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यह एक ऐसी बीमारी है जो जानवरों से इंसान में फैलती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह एक ऐसी बीमारी है जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ इंसान तक फैल सकती है। हाल ही के दिनों में इस बीमारी की वजह से किशोरों की मौत होने की खबर सामने आई है। बता दें, निपाह वायरस के लक्षण और इसके बचाव के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसमें सिर दर्द, तेज बुखार, उल्टी और दस्त, खांसी, कमजोरी और थकान, मसल्स में दर्द और ऐंठन का लक्षण आता है। केंद्रीय करों में 4720 करोड़ बढ़ गई झारखंड की हिस्सेदारी। झारखंड के खजाने के खस्ताहाल होने की बला फिलहाल टल गई है। चुनावी साल में विकास या कल्याण की योजनाओं पर भी आफत की आशंका दूर हो गई है। बता दें, भारत सरकार ने केंद्रीय करों में झारखंड की हिस्सेदारी 4720 करोड़ बढ़ा दी है। पिछले साल यह 36525 करोड़ 60 लाख थी, जो 2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिए बढ़कर 41245 करोड़ 28 लाख हो गई है। भारत सरकार की ओर से केंद्रीय करों में यह हिस्सेदारी कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, CGST, सीमा शुल्क और अन्य करों के तहत राज्य को दी जाती है। वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के बाद केंद्र सरकार का उत्पाद शुल्क अब केवल पेट्रोलियम और कुछ खास उत्पादों पर ही लगता है। इसमें वसूली गई राशि भी राज्य के उनके तय अनुपात के हिसाब से बांट दी जाती है। सीएम हेमंत ने 256 विशेष परिवारों को आशियाने का दिया तोहफा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने विशेष परिवारों को आशियाने का तोहफा दिया है। 256 परिवारों को सपनों का घर मिला। PMAY शहरी योजना के तहत राज्य संपोषित रांची के मुड़मा कुष्ठाश्रम परियोजना का मंगलवार को मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है कि कुष्ठाश्रम परिसर निर्मल आवास के नाम से जाना जाएगा। आज ऐतिहासिक दिन है, कई परिवारों को अपना आशियाना मिला है। राज्य सरकार सभी वर्ग समुदायों को उनका हक अधिकार दे रही है। बता दें, रांची के साइंस सिटी के नज़दीक नवनिर्मित मुड़मा कुष्ठाश्रम परियोजना के उद्घाटन अवसर पर वे बोल रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हमारी सरकार का सदैव प्रयास रहा है कि हर जरूरतमंद व्यक्ति, चाहे वे किसी भी वर्ग समुदाय के हो, जिस स्थिति या परिस्थिति में रहे हो, उन सब तक सरकार की आवाज़ पहुँचे, सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी की योजनाएँ पहुँच सके। लातेहार से 20,000 रिश्वत लेते ASI गिरफ्तार। पलामू भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने मंगलवार को लातेहार जिले में बड़ी कार्रवाई की है। SCB की टीम ने लातेहार जिले के बरियातू थाना में पदस्थापित ASI धीरेन्द्र कुमार सिंह 55 वर्षीय को 20,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। SCB के प्रमंडलीय कार्यालय पलामू ने इस संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी है कि लातेहार के बरियातू थाने में अफीम रखने को लेकर एक मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में वादी जय कुमार राणा के भतीजे संतोष राणा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कुछ दिनों के बाद पुलिस अवर निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार द्वारा इसी कांड में फंसाने की धमकी देकर 3 लाख रुपये की मांग की जा रही थी। भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप पर SC/ST के तहत FIR दर्ज। पिछले दिनों रांची में भाजपा कार्यकर्ताओं आयोजित सम्मेलन में
भवनाथपुर के विधायक व भाजपा नेता भानु प्रताप शाही के दिए गए बयान के बाद राजनीति गर्म हो गई है। बयान को आदिवासी अस्मिता से जोड़ा जा रहा है। इसी आलोक में मंगलवार को रामनाथ थाना में भानु प्रताप शाही पर मामला दर्ज कराया गया। बता दें, रामनाथ थाना क्षेत्र के बहियार कला निवासी झामोकरकर्ता राजेंद्र उराव ने भानु प्रताप शाही के खिलाफ रामनाथ थाना में आवेदन दिया है। इसी आलोक में पुलिस SC ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। थाना को दिए गए आवेदन में राजेंद्र ने आरोप लगाया है कि रांची में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में विधायक भानु प्रताप शाही ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आदिवासी होने के कारण अपने संबोधन में गट्टा पकड़कर कुर्सी से उतारने की बात कहते हुए अपने कार्यकर्ताओं से भी बारी बारी हामी भरवाने का काम किया है। झारखंड में गरज के साथ बारिश। झारखंड की राजधानी रांची में मंगलवार की दोपहर में झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के लगभग सभी स्थलों पर हल्के से मध्य दर्जे की बारिश होने की संभावना है। गढ़वा, पलामू, हजारीबाग, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ भागों में बारिश हो सकती है। गरज के साथ वज्रपात की भी आशंका है। इसको देखते हुए चेतावनी जारी की गई है। बता दें, मौसम के बारे में बात की जाए तो पूरे राज्य में अच्छी बारिश की संभावना है। रांची मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि पूरे राज्य में अधिकतम दक्षिणी मध्य तथा निकटतम उत्तर पश्चिमी भागों में बारिश हो सकती है। यहां मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। इस तरह का मौसम लगभग आपको हर दिन देखने को मिलेगा। कांग्रेस ने बजट को बताया युवा, मजदूर और किसान विरोधी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि झारखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सौतेलेपन का उदाहरण बनकर रह गया है। यह जनता की आशाओं पर वज्रपात है। झारखंड में लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला बीजेपी ने केंद्रीय बजट के जरिए लिया है। प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी सतीश पाल मुजनी ने कहा है कि दुर्भाग्य है कि वित्त मंत्री कांग्रेस के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र का ठीक से नकल भी नहीं कर पाई। कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा है कि बजट में झारखंड की अपेक्षा करके प्रधानमंत्री ने दिखा दिया है कि हक देने के समय वह झारखंड को सबसे निचले पायदान पर रखते हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता जगदीश साहू ने मजदूर और किसान विरोधी बजट करार दिया है। हर हर महादेव के जय घोष से गूंज रही बाबा नगरी। राजकीय श्रावणी मेला 2024 के दूसरे दिन सुबह 4:04 पर मंदिर का पट खुलते ही जलार्पण शुरू हो गया। कंवरियों की कतार सुबह बीएड कॉलेज तक पहुंच गई थी। हर हर महादेव से बाबा नगरी गूंज रही है। बता दें, शिव भक्ति की गूंज से रूट लाइन गूंजमान है और सभी कंवरिया कतारबद्ध होकर बाबा का जय घोष करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। रूट लाइन के हर पॉइंट पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जलार्पण के लिए कतारबद्ध कंवरियों को बीएड कॉलेज, तिवारी चौक, शिवराम झा चौक, नेहरू पार्क, क्यू कॉम्प्लेक्स से मानसिंघी फुट ओवर ब्रिज होते हुए बाबा मंदिर के गर्भगृह में लगे अर्घा के माध्यम से जलार्पण कराया जा रहा है। रांची में सेना भर्ती रैली 27 जुलाई से शुरू। रांची के खेलगांव मैदान में 27 जुलाई से 10 अगस्त तक सेना भर्ती रैली आयोजित की जा रही है। ऐसे में अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड पर दिए गए तिथि और समय पर ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना होगा। बता दें, रैली के लिए एडमिट कार्ड ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस परीक्षा के शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को 9 जुलाई 2024 को उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेज दिए गए थे। उम्मीदवार ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर अपने पंजीकृत खाते से भी रैली एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। देवघर में पुलिसकर्मी पर नाबालिग से छेड़खानी का आरोप। बाबा नगरी देवघर में इन दिनों श्रावणी मेला संचालित हो रहा है। श्रावणी मेला के दौरान प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु देवघर आते हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। इस वर्ष लगभग 11,000 पुलिसकर्मी श्रावणी मेला ड्यूटी में लगे हैं। इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे पुलिसकर्मियों के आवासन के लिए जगह जगह स्थित सरकारी भवन का उपयोग किया जाता है। इसी में से एक है नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत राजकीय कृत मध्य विद्यालय कोरियासा, जहां होमगार्ड सहित कई पुलिसकर्मियों को आवासन है। एक तरफ स्कूल संचालित होता है, वहीं दूसरी तरफ पुलिसकर्मियों का आवागमन है। इसी बीच एक 5वीं कक्षा की छात्रा के साथ होमगार्ड कर्मी पर छेड़खानी का आरोप लगा है। बताया जाता है कि नशे में धुत गुमला जिला से आए होमगार्ड कर्मी पर नाबालिग के साथ जोर जबरदस्ती करने का भी प्रयास करने का आरोप लगा है। गढ़वा में बेरोजगार युवाओं को मिला अवसर। झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने समाहरणालय सभागार में जिले के बेरोजगार युवक युवतियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण किया। मंत्री ने मनरेगा अंतर्गत नियुक्त प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया और कल्याण विभाग के अंतर्गत परिसंपत्तियों का वितरण किया।
जिला समाहरणालय सभागार में बेरोजगार युवक युवतियों के चेहरे पर यह मुस्कान उनकी नौकरी की है। बता दें इन्हें मंगलवार को प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में चयनित किया गया है। इसको लेकर सूबे के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया है। नियुक्ति पत्र लेकर बहुत खुश हैं। पूरे जिले में 13 प्रखंड पदाधिकारी का पद रिक्त पड़ा था, जिसे पूरा कर लिया गया है।